गरीब आदमी को कर्ज की जरूरत पड़ गई, 1000 दिनार चाहिए। मैं कह चुका हूँ कि दिरहम चांदी का होता था, दिनार सोने का, अब 1000 दिनार लेना है। तो जिस बंदे से उसने कहा, अगरचे वो नेक बंदा था, उसने कहा यार 1000 दिनार दे दो, तो कहने लगा कोई गवाह है तेरे पास? वो कहने लगा गरीबों का गवाह कौन होता है? हाँ एक गवाह है। कहा कौन? का मेरा रब, वो तेरे और मेरे बीच गवाह है। उसने कहा कोई कफील? अगर तू पैसे ना दे सके तो वो बाद में दे दे, या तुझे कुछ हो जाए तो वो दे दे। उसने कहा कफील भी मेरा अल्लाह ही है, मेरे पास अगर है तो रब करीम का नाम है, अगर एतमाद कर सकता है तो कर ले। बंदा नेक था, उसने कहा रब के नाम पे, रब की किफालत पे, अल्लाह को गवाह बना के मैं तैयार हूं तुझे 1000 देने। उसने 1000 दिनार दे दिया, वक्त वापसी का तय हो गया, वो चला गया पैसे लेके। उसने पूरी मेहनत की कि मैंने वक्त पे पैसे लौटाने, पूरी मेहनत भी कर ली, अल्लाह ने मदद भी कर दी, पैसे भी उस तारीख को उसे मिल गए। बाद लोगों का तो लौटाने का दिल ही नहीं ना होता। फरमाया हदीस पाक में कि तू लौटाने का इरादा कर, रब तेरी मदद भी फरमाएगा। लेकिन यहां बहुत सारे लोग कहते हैं खैर है, इरादा ही नहीं। तो फिर जिस तरह का बंदे का गुमान हो, रब भी उसी तरह का मामला फरमाता है। उसने पैसे जमा भी कर लिए और वापिस देने को तैयार भी हो गया, लेकिन रास्ता बहरी जहाज का था, कश्ती का था, दरिया के रास्ते वापिस आना था। अब वो जब आ गया दरिया के किनारे तो बड़ी कोशिश की, पर वहां उसे कोई कश्ती नहीं मिली। वक्त पे पैसे लौटाने हैं, सफर करना है, अब सवारी मुयसर नहीं है। सोच सोच के परेशान था कि मैंने तो अल्लाह के नाम पे लिए। अचानक दिल में एक तजवीज आई, उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी को अंदर से खोला, 1000 दिनार उसमें भरा, बुखारी पढ़ रहा हूं, और साथ एक खत भी लिखा कि यार मैं पैसे पहुंचाना चाहता था पर मुझे कोई चीज नहीं मिली, दरिया के उस पार आने, अल्लाह के नाम पर तेरी तरफ रवाना कर रहा हूं। और ये कह के वो लकड़ी दरिया में रख दी, वो लकड़ी डूब गई है, वापस आ गया। वो जिसने पैसे लेने थे वो ऐन मुकर्रा वक्त पर दरिया किनारे आया। सुबह से सरे शाम तक उसने इंतजार किया, दिल ढलने लगा तो दिल में ख्याल आ गया कि यार नहीं, उसने देने ही नहीं, झूठा वादा कर गया, पहुंचा ही नहीं वक्त पे। अब जब वापस लौटने लगा तो अचानक दरिया में एक लकड़ी तैरती हुई दिखाई दी, कहने लगा ले जाता हूं, शाम को रोटियां पकाने के काम आएगी, ईंधन बना के जला लूंगा, हंडिया पक जाएगी। लकड़ी उठा के जलाने के लिए घर लाया, गुमान था कि वो नहीं आया वादा करके, अल्लाह को कफील और वकील बना के और गवाह बना के फिर भी नहीं आया। लकड़ी लेके घर गया, बुखारी है, और जब उसको चीरा ना कि मैं इसकी आग जलाऊंगा, खोला तो अंदर से 1000 दिनार भी निकल आया, खत भी निकल आया। अब जरा समझना, उसके दिल में बात किसने डाली कि तू लकड़ी में पैसे डाल दे? अल्लाह ने। उस बंदे को मुकर्रा वक्त पे किनारे भेजा किसने? लकड़ी सिर्फ उसी के हाथ आई तो ये बंदोबस्त किया किसने? अल्लाह ने। घर जाके चीरी तो पैसे बाई फादत उस तक पहुंचाए किसने? तो फिर हमें भी तवज्जो अल्लाह की जानब भी करनी चाहिए, हमारे पे दिल की तवज्जो रब की तरफ ही होनी चाहिए ना। हमें इधर उधर जाने की, देखने की, बंदों पर गौर करने की जरूरत क्या है? वो पैसे पहुंच गए, ये वहां अपनी जगह पे परेशान था। इसने 1000 दिनार और जमा किया, फिर दोबारा एक दिन दरिया किनारे आया, कश्ती मिल गई, बैठ के अपने उस भाई के पास आया, कहने लगा देखना मुझ पर बदगुमान ना होना, पैसे उस तारीख को भी जमा कर लिए थे, दरिया पे आया था पर कश्ती नहीं मिली थी, फिर मैंने ना लकड़ी में डाल के खत डाल के तेरी तरफ भेज भी दिए थे, लेकिन आज मैं फिर लेके आ गया। वो कहने लगा खुश हो जा, जिस रब को तूने मेरा और अपना गवाह बनाया था उस रब ने मेरे तक पहुंचा भी दिए हैं। जब लोग अल्लाह को गवाह बनाते हैं, रब की जानिब अपनी तवज्जो करते हैं, अपनी चाहतों, ख्वाहिशात और अपनी सारी चिट्ठियां अपने रब करीम की रहमत की तरफ रवाना करते हैं, फिर अल्लाह अपने बंदों को मायूस नहीं करता, अल्लाह अपने बंदों को नवाज देता है।